मधु, चूहों की तरह यहाँ वहाँ क्यों उछल रहे हो? अरे मैं चूहों की तरह नहीं उछल रहा, चूहे मेरे पेट में उछल रहे हैं। ये कान्हा अभी तक माखन लेकर आया क्यों नहीं? माखन ले लो, माखन शुद्ध और स्वादिष्ट माखन। माखन, माखन स्वादिष्ट सुगंध। स्वादिष्ट माखन मिलेगा, ये लो बालक, तुम भी लो। बिना कान्हा के मैं माखन नहीं खाऊंगा। ठीक है, तुम मत खाओ, पर तुम तो खाओगे ना? वाह, ये माखन तो राधा और गोपियों के माखन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हमारे माखन से भी मधुर। काका थोड़ा और चखाओ ना। पहले माखन का मोल चुकाओ, फिर जितना मन हो उतना खाओ। किंतु मोल चुकाने के लिए हमारे पास मुद्रा नहीं है। यदि मुफ्त में माखन चाहिए तो अमृत वन जाओ, वहाँ माखन गिरी झरना है। झरने से दिन रात ढेर सारा माखन बहता रहता है। वहाँ जितना चाहो उतना माखन खा सकते हो। मित्रों शीघ्र ही माखन गिर झरने की ओर चलते हैं। बिना कान्हा के मैं माखन नहीं खा सकता। हाँ, कृष्णा को साथ लेकर आना। चलो विशाखा, हम भी देखते हैं। सुदामा तुम अकेले, बाकी सब कहाँ गए? वो सभी अमृत वन में गए हैं माखन गिर झरने से स्वादिष्ट माखन खाने। माखन गिर झरना, ऐसे किसी स्थान के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अरे सुनने की नहीं, जाकर खाने की चीज है। तुम्हारे मित्र गए हैं, तुम भी जाओ। ये माखन तो कुछ भिन्न प्रतीत होता है। ये माखन नहीं, विष है। ठीक कहा बालक, अब रोक सको तो रोक लो अपने मित्रों को। वे महान माखनासुर की नगरी में प्रवेश करने वाले हैं। माखनासुर? वही माखनासुर जो अपनी काली शक्तियों से तुम्हारे मित्रों को विषक्त माखन में परिवर्तित कर देगा। चलो सुदामा। सुरभि। वाह क्या माखन है। हाँ हाँ सच में बहुत ही स्वादिष्ट माखन है। मित्रों शीघ्रता से बाहर आओ। नहीं दाऊ, राधा, मधु। परंतु ये सब कहाँ दृश्य हो गए? आओ पता करते हैं। किंतु याद रहे, ये माखन बिल्कुल भी नहीं चखना है। मित्र रुक जाओ, ये माखन विषक्त है। राधा रुक जाओ। राधा, मधु माखन मत खाओ। जाओ रुकिए। अब कुछ नहीं हो सकता, शीघ्र ही तुम्हारे सारे मित्र स्वादिष्ट विषैले माखन में परिवर्तित हो चुके होंगे। अब तुम
सबका माखन बनाएगा, माखनासुर। वो तो समय ही बताएगा माखनासुर। तो तुम ही हो वो कपटी बालक जिसने महाराज कंस को दुविधा में डाल रखा है। सुदामा, इस असुर को मारना तो बहुत ही मुश्किल है। माखनासुर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। आओ दंड बालक, तुम ये क्या अनर्थ कर रहे हो? मार पड़ी खम्बे को और पीड़ा हुई माखनासुर को। टूटा खंबा निकली मटकी, ये कैसी माया है? इस मायावी मटकी का रहस्य तो खोजना ही पड़ेगा। सुदामा नहीं। माखनासुर। कृष्णा। मटकी तो खोज ली, पर वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? तुम्हारे मित्रों का तो दही जम गया है। बुलाओ बुलाओ अपने मित्रों को। केशव, बंसी, बनवारी, किशोर, ब्रिजेश, गोपाल, गोविंदा, गिरधर, मुरारी। कपटी बालक। अरे मेरे पैर, मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? अब देखते जाओ हमारी लीला। माखनासुर, तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब समझा तुम इसकी रक्षा क्यों कर रहे थे। अब ये मथनी तुम्हारा खेल समाप्त करेगी। हाँ।
माखन तो बहुत खा चुका, पर आज माखन मथने का आनंद लूंगा। नहीं, रोको इसे। माखनासुर, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माखन नगरी का अंत भी निश्चित है। जंगल में घूमने आए थे, अब चलो घर चलते हैं माखन खाने। पता नहीं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है माखन खाने का। हाँ, हाँ, मेरा भी।